मध्य प्रदेश की एक और नई भर्ती के साथ गाइस हम आ गए हैं। वेलकम बैक टू जॉब एडिटर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेट्रो रेल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसके होम पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ दिया गया है होम पेज पर पॉपअप मेन्यू में एडवाइजरी फॉर जनरल पब्लिक मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि बिवेयर ऑफ फेक रिक्रूटमेंट ऑफर्स इन एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो गाइस यहाँ पर दिया गया है इसका होम पेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये एक गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से बनाई गई मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स में भी ये बनाई गई है। यूपी मेट्रो की तरफ से भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर गाइस मध्य प्रदेश मेट्रो रेल की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें हम ITI डिप्लोमा एंड डिग्री के UG PG डिग्री वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ में फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट है एंड कुछ के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। सो गाइस हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ड्रॉपडाउन मेन्यू से हम कैरियर पेज पर पहुंच जाते हैं एंड यहां पर दिया हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 2528 पब्लिश डेट 16 मार्च। सो गाइस PDF डाउनलोड कर लेते हैं हम। यहां दिया गया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट अकॉर्डिंग टू डेप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड री एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर 13 मार्च 2024 इसकी लास्ट स्टार्टिंग डेट थी, जिस दिन यहाँ नोटिफिकेशन आया हुआ है। सो गाइस यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है PDF में। एडिशनल जनरल मैनेजर और जॉइंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है, जिसके लिए डेप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड रीएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर ग्रेजुएशन मांगा गया है एंड वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर डोमेन सिस्टम सब डोमेन रूलिंग स्टॉक के लिए यहाँ पर जॉइंट जनरल मैनेजर, सीनियर डेप्यूटी मैनेजर, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर की एक पोस्ट के लिए BE BTEC अगर किसी ने किया हुआ है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यह भी डेप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट और रीएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर रहेगी। आगे यहाँ दिया गया है डोमेन सिस्टम एंड सब डोमेन में PND के लिए एंड यहाँ डोमेन के लिए सिस्टम एंड सब डोमेन के लिए AFT ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन के लिए सीनियर डेप्यूटी जनरल मैनेजर और डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट है, जिसके लिए BE BTEC मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट भी यही रहने वाली है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए BE BTEC मांगा गया है। यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट टू दी पोस्ट डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पर डेप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड रीएम्प्लॉयमेंट बेसिस पर फॉर्म फिलअप होंगे। आगे यहाँ दिया गया है डोमेन सिस्टम में एंड सब डोमेन में रोलिंग स्टॉक के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए BE BTEC मांगा गया है एंड यहाँ पर एप्लीकेंट शॉल हैव एक्सपीरियंस इन कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट इंस्टॉलेशन टेस्टिंग्स, ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट है एडिशनल जनरल मैनेजर की, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यह ग्रेड E7 में आएगी एंड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपको 1,00,000 से 12,50,000 रुपीज़ की सैलरी मिलेगी। डेप्यूटेशन की सैलरी अलग है एंड रीएम्प्लॉयमेंट की सैलरी अलग है। सो गाइस यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी बता रही हूँ। जॉइंट मैनेजर के लिए कॉन्ट्रैक्ट 90,000 से 2,40,000 तक की सैलरी रहेगी। सीनियर डेप्यूटेशन जनरल मैनेजर के लिए 80,000 से लेकर 2,22,000 तक की सैलरी मिलेगी। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 70,000 से 2,00,000 तक की सैलरी मिलेगी एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए 80,000 से 1,60,000 तक की सैलरी रहेगी। आगे यहाँ दिया गया है जनरल कंडीशंस, जिसमें MPMRCL एट मीन्स मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी यहाँ पर 30 मार्च 2024 एंड यहाँ पर आपको एड्रेस भी दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म्स को आप सबमिट कर सकते हैं यहाँ। आगे यहाँ दिया गया है कैंडिडेट्स हैव सर्टिफिकेट्स अकॉर्डिंगली देयर कैटेगरी वाइज एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी यहाँ पर, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर दी एग्जामिनेशंस।
एंड यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। सो गाइज यहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दे दिया जाएगा, आपको इसको फिल करके हार्ड कॉपी भेजना होगा इनके ऑफिस। यहाँ दिया है एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट डालनी है, टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट डालना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर डालना है। पर्सनल डिटेल्स में आपको एप्लीकेंट नेम डालना है, फादर मदर नेम डालना है, जेंडर डालना है, कैटेगरी डालना है डोमिसाइल स्टेट। दैट मीन्स डोमिसाइल स्टेट मांगा गया है, आप कोई भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको फ़ोटो पेस्ट करके डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एज कैलकुलेट करके एज लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट लिखना है अगर आप डेप्यूटेशन या रीएम्प्लॉयमेंट के लिए फिल कर रहे हैं तो। कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर लाइंस दिए गए हैं फॉर्मेट्स, जैसे कि पॉइंट्स वाइज दिए गए हैं, तो आपको अगर डेप्यूटेशन या रीएम्प्लॉयमेंट है नहीं है आपका अगर, तो आप उसको एन ए मतलब नॉट अलाउड लिख सकते हैं या फिर आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस फिल करना है 2 times परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एंड मोबाइल ईमेल आईडी आपको लिखना है अगर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी एक्टिव दिया, सो द डिपार्टमेंट कैन रीच इजली इफ यू आर सिलेक्टेड। सो प्लीज़ गिव द ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी एक्टिव। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन लिखना है, दैट मीन्स अकॉर्डिंगली 10th 12th यूजी पीजी डिग्री डिप्लोमा पीएचडी जो भी आपने किया हुआ है वो लिख सकते हैं। आगे यहाँ दिया गया है टोटल रिलेवेंट एक्सपीरियंस, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया है कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं तो आप उसका भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर एनक्लोजर्स डाल सकते हैं आप, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से अकॉर्डिंगली यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकलते हुए बहुत सारे नोटिफिकेशंस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट लिखना कंपलसरी रहेगा। डिक्लेरेशन करके आप डेट एंड साइन करके यहाँ भेज दीजिए अकॉर्डिंग टू देयर एड्रेस। सो गाइज ये था मध्य प्रदेश मेट्रो रेल की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल विजिट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज आई हुई हैं, आई ऑलरेडी अपलोडेड दी लिस्ट ऑफ वैकेंसीज, यू कैन सी इन द प्ले लिस्ट। थैंक यू, बाय बाय।